सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। हम अंदर से न जाने कुछ खोजते रहते हैं, संतोष हमारे अंदर नहीं और कोई भी चीज़ बर्दाश्त करने की हमारे अंदर शक्ति नहीं है। सो ये जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर ये असंतोष, ये तकलीफ़ें, ये परेशानियाँ, चिंता, ये क्यों है? इसका कारण हमारा मन है। और ये जो मन जिसे हम कहते हैं, ये हमने ही बनाई हुई एक संस्था है। ये संस्था हमने दो प्रतिक्रियाओं से बनाई है। एक तो हमारे अंदर जब अहंकार हो जाता है तो उस अहंकार के कारण हम प्रतिक्रिया करते हैं। कोई हमारा अपमान करे या किसी पर हमें गुस्सा हो या हम किसी को नाश करना चाहें, इस सब चीज़ों से एक हमारे अंदर विचारों का बड़ा भारी तूफान उठ जाता है और उसी के बुलबुले तैयार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारी प्रतिक्रिया होती है वो हमारे संस्कारों से। सुसंस्कार कम है, कुसंस्कार ज़्यादा। उन संस्कारों के कारण भी हमारे अंदर प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक विचार इकट्ठे हो जाते हैं। और ये सारे विचार इकट्ठे होकर एक मन नाम की संस्था हमारे अंदर बना देती है और उसी के सहारे हम चलते हैं, उसी की हम गुलामी करते हैं। जिस प्रकार अब हमने घड़ी बनाई और हम घड़ी की गुलामी करते हैं, हम घड़ी की गुलामी करते हैं और उस गुलामी के सहारे हम बंधे चले जाते हैं। हमने कंप्यूटर बनाया, अब उसकी गुलामी करते हैं। इसी प्रकार हमने ये मन बनाया है और इसी की हम गुलामी करते हैं। अब इस गुलामी में हम समझ नहीं पाते कि जो असलियत है, जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उससे हम दूर रह जाते हैं। इसी तरह से इस मन से परे जाना चाहिए। जब तक हम इस मन से परे नहीं जाएंगे, तब तक हमारे अंदर, मन के अंदर किसी भी प्रकार की शांति प्रस्थापित नहीं हो सकती। और उसके लिए परमपिता परमेश्वर ने हमारे अंदर एक कुंडलिनी नाम की शक्ति रखी, जिसकी जागृति से हम उस मन को लांघ कर और चारों तरफ व्यापी हुई इस परमात्मा की शक्ति से एकाकारिता प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे हर एक चीज़ का मार्केट होता है, उसी तरह कुंडलिनी का भी मार्केट हर जगह यहाँ, इसका आप मार्केट नहीं कर सकते। ये एक जीवंत क्रिया है, इसे आप बेच नहीं सकते। जैसे ज़मीन में एक बीज लगाने से वो अपने आप स्फुरित होता है, उसी प्रकार आपके अंदर बसी हुई कुंडलिनी भी अंकुरित होती है अपने आप सहज। उसके लिए कुछ करना नहीं होता। उसके लिए पैसा तो छोड़िए, कोई व्यर्थ का सायास भी नहीं करना पड़ता। घर छोड़ो, संन्यास लो, फलाना करो, ढिकाना करो, तपस्या करो आदि कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस कलयुग में किसी के पास इतना समय भी नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये सब चीज़ आप कर चुके पिछले जन्म में, अब इस जन्म में आपको पाने का, और ये पाने के लिए आप यहाँ आए हैं, और ये पाना बहुत ही सहज और सुलभ है। पहले तो जब ये कुंडलिनी जागृत होती है तो आपके हाथ से चैतन्य की लहरियाँ बहने लगती है, जो चारों तरफ फैली हुई जो शक्ति है, जिसको
आज तक आप सुनते आए हैं वो शक्ति आपके अंदर से बहने लगती है और आपको ये महसूस